अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ साइमा नवीद और आप देख रहे हैं मेरा कुकिंग चैनल कुक विद साइमा नवीद। आज हम आपको यूनिक स्टाइल निमकी बनाना सिखाएंगे। निमकी जैसे नमक पारे होते हैं, वो नमक पारे ही की जो है वो डो गूंदेगी, मगर उसको मैं एक नया शेप दूंगी। उसके लिए मैंने 2 कप मैदा लेके उसको छान लिया है। उसमें हम 1/4 कप ऑयल डालेंगे। आधा चमचा मैंने अजवाइन को हाथों से मसल लिया है। ये ड्राई रोज जीरा लिया है आधा चमचा। आधा चमचा हमने लिया है नमक और 1 कप मैंने पानी लिया है गूंदने के लिए, मगर इससे कम ही यूज़ होगा। अब मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम मैदे में अजवाइन डालेंगे, फिर जीरा, नमक और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नमक, जीरा और अजवाइन को हमने अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लिया है। अब हम 1/4 कप यानी 1/4 कप इसमें ऑयल डालेंगे और इस मैदे को अच्छी तरह से क्रम्बल कर लेंगे कि हाथ की मुट्ठी में बनने लग जाए। जी तो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इसमें 5 मिनट से मुसलसल क्रम्बल कर रही हूँ। ये अच्छी तरह से जो है ये मिक्स हो गया है, अजवाइन हो गया है। मैं आपको इसको मुट्ठी में बांध कर दिखाऊँगी। ये देखिए मेरी मुट्ठी में आराम से अब बन रहा है, इसका मतलब ये रेडी है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे एक सख्त से आटे की आटा गूंद लूँगी। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने अपने आटे को समेट लिया है और अगर आपको ज़्यादा आटा चपकता हुआ हाथ महसूस हो तो आप थोड़ा सा इसमें मैदा भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। इसको बहुत सख्त सा आटा हमें गूंद के तैयार करना है और फिर इसे 20 मिनट से लेकर 2 घंटे तक जितने भी आपके पास टाइम हो उसको रेस्ट पर छोड़ देंगे। मैं 20 मिनट तक इसको भी गूंदने के बाद रेस्ट दूंगी। ये देखिए मेरा आटा बहुत सख्त और बहुत ही अच्छा सा गूंद गया है, तकरीबन गूंद गया है। जी व्यूअर्स, ये मेरा आटा जो है एक सख्त सा गूंद गया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल लगा के चारों तरफ इसके और इसको ना रैपिंग शीट से रैप करके 20 मिनट से लेकर 2 घंटे तक के लिए रख दूंगी। ये हमने आटे को रैप कर दिया है 20 से 25 मिनट के लिए। अच्छा, इसमें मैंने 1 कप पानी लिया था, आप देख सकते हैं ये तकरीबन 1/4 कप से थोड़ा कम ही यूज़ हुआ है आटा गूंदने में ये पानी। और अब हम आपसे नेक्स्ट स्टेप पर मिलते हैं। 20 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसकी रैपिंग शीट डालेंगे और अपने हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। और इस आटे को जो है 2 से 3 मिनट के लिए फिर नीट कर लेंगे दोबारा से। ये हमारी डो बिल्कुल तैयार, मतलब इसका जो आटा है नमकी का वो बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। और इसको फिर पतला सा बिल्कुल बेल लेंगे। देखें मैंने इसको बेल लिया है, ये इसकी थिकनेस इतनी होनी चाहिए। उसके बाद हम इसके एक्स्ट्रा पार्ट निकाल देंगे और इसे रेक्टेंगुलर में मतलब रख लेंगे। अभी हम इसको वापस दोबारा डो में ऐड कर देंगे। अब हम इसकी पतली पतली स्ट्रिप्स काटेंगे। एक प्याले में मैंने 2 चम्मच मैदा और 2 चम्मच घी को लेकर उसको अच्छी तरह से पेस्ट बना लिया है, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, अब हम इसकी एक स्ट्रिप लेंगे। सबसे पहले इसको ट्रे पर रखेंगे
उसके ऊपर ये मैदे का जो हमने भी पेस्ट बनाया है मैदे और घी का, इसको हल्के से लगा देंगे और उसके बाद इसको राउंड करते हुए ऐसे आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे बनाना है इसको। देख लें आप अच्छी तरह से, ये देखें आप। इसके बाद जहाँ पे हमने इसको टर्न किया था इसको हल्का सा दबा देंगे ताकि चिपक जाए, और इस हिस्से को टूथपिक से हम इसमें टूथपिक इंसर्ट कर देंगे और ये देखें आप ऐसे इसको बनाएंगे। इसी तरह मैं आपको बाकी बताती हूँ। ये देखें, ये मैंने अपनी स्ट्रिपली मैंने अभी काटी थी आपके सामने, उस पर मैंने आधे आटे और सॉरी मैदे और घी का जो मैंने महलूर पेस्ट बनाया था वो लगाया। उसके बाद इसको हमने गोल उसमें गोल में इसको टर्न करते हुए ऐसे बॉल टाइप बनानी है बस। इसको कोने से दबाया हल्का सा, फिर इसमें हम टूथपिक इंसर्ट कर देंगे। इस तरह से एक और आपको सिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से इस पे इसको यूं करा, कोने से इसको हल्का सा दबाया और इसमें टूथपिक इंसर्ट कर दी। ये तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं हमने सारी बना के तैयार कर ली हैं। अब हम इसको ट्राई करेंगे। अभी मैंने बस ऑयल इसमें डाल के इसको चूल्हे पे हल्की आंच पे छोड़ दिया है। इसके लिए तेल तेज़ गर्म तेल में इसको नहीं डालते हैं वरना ये ऊपर से ऐसे सिक जाती हैं, अंदर से कच्ची रह जाती हैं। अभी हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर हल्की आंच पे छोड़ देंगे और खुद ही जितनी देर में फ्राई होंगी खुद ही खुद ऊपर आएंगी तेल से। ये आप देखें, ये हम इसे हल्की आँच पर छोड़ के डाल के इसको छोड़ देंगे। तो व्यूअर्स आप देखेंगे एक साइड से हो गई है, मैं इसे टर्न कर रही हूँ। ये 3 से 4 मिनट लिए हैं इसने एक साइड से ब्राउन होने में। इसको डार्क ब्राउन नहीं करते हैं, इसको लाइट ब्राउन ही रखते हैं। अगर हम लाइट ब्राउन इसे रखते हैं क्योंकि ये 2 से 3 दिन तक काफ़ी क्रिस्पी रहती हैं। अगर हम इसे डार्क ब्राउन कर लेंगे तो ये ब्लैक पड़ जाएंगी, और अगर लाइट ब्राउन रखेंगे तो ये डार्क ब्राउन खुद ही खुद कलर इनका चेंज होता है। ये तकरीबन हमारी एक साइड से तैयार है, अभी हम दूसरी तरफ से सेक के फिर आपको दिखाते हैं। व्यूअर्स ये रेडी हैं, अब मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ। मैंने दूसरा बैच भी इसमें डाल दिया था। ये मेरे निमकी की पहली एपिसोड है इंशाल्लाह, फिर मैं और भी यूनिक यूनिक स्टाइल की मीठी शक्कर मीठे शक्कर पारे और यूनिक स्टाइल की निमकी बनाना भी सिखाऊंगी अपने व्यूअर्स को। ये तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं ये मेरी सारी निमकियाँ फ्राई हो गई हैं। ये बहुत ही खस्ता बनती हैं और बहुत ही मज़े की बनती हैं, बस फ्राई होने में थोड़ा टाइम लेती हैं। बस आप जब इसको बनाएं तो एक चीज़ का ख्याल रखें, जब आप आटा गूंदें तो उसको या तो गीले कपड़े से ढक दें या फिर उस पर रैपिंग शीट लगा दें ताकि आटा सूखे ना। और दूसरे ये कि जब आप इसको फ्राई करें तो ये एक बैच जो है वो 8 से 10 मिनट तलने में लेता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी ज़रूर करें, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो के बारे में सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। साइमन।